दुर्घटनाग्रस्त हल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चलता है क्योंकि पायलट और यात्री की हत्या के लिए बिजली लाइनों का निरीक्षण किया जाता है। न्यूयॉर्क राज्य में एक फायरबॉल द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग करने पर पायलट और एक यात्री की मौत हो गई थी। पायलट और एक यात्री की मौत हो गई थी और बोर्ड पर दो अन्य घायल हो गए थे जब उनके हेलीकॉप्टर बिजली लाइनों पर पकड़े गए और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना के डरावने वीडियो से पता चलता है कि आप में जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले बिजली लाइनों में हेलीकॉप्टर आक्रमण हेलीकॉप्टर उपयोगिता श्रमिकों सहित चार लोगों को ले जा रहा था। जब उसने उत्तर पूर्वी न्यूयॉर्क राज्य में बीकामेन टाउन में तारों को 4:15 बजे तक तारों पर मारा मंगलवार, अधिकारियों ने कहा। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एरोस्पाटल एस 355 कनाडा की सीमा के दक्षिण में तारों के संपर्क में आने के बाद आग लग गई। उत्प्रेरक विमान के स्वामित्व वाले विमान के चार निवासियों को चिम्प्लेन घाटी चिकित्सक अस्पताल में वर्मोट हेल्थ नेटवर्क विश्वविद्यालय में पहुंचाया गया। मृत पुरुषों को पायलट रॉबर्ट होगा जूनियर शिमान न्यू जर्सी के 56 और न्यूयॉर्क के मैसेना के यात्री जेरेमी गिब्स 30 के रूप में नामित किया गया था। दो अन्य स्कॉट फेपिया 34 और बेंजामिन मिकलस 30 का इलाज और रिहा कर दिया गया। दो घायल पुरुषों ने नार्थलाइन यूटिलिटीज के लिए काम किया। एक ठेकेदार जो बिजली लाइनों का निरीक्षण और रखरखाव करता है। बेटियों के पिता श्री गोगुल एक बार उत्प्रेरक के मालिक और संस्थापक से शादी कर चुके थे। इसकी सूचना मिली थी। हमारिया पामा ने द न्यूयॉर्क पोस्ट के एक ईमेल बयान में कहा, मुझे एक बार उन लोगों में से एक से शादी करने का विशेषाधिकार था जिन्होंने आज अपना जीवन खो दिया। वह हमारे बच्चों का पिता था और अंततः मेरे सबसे प्यारे दोस्तों में से एक था और दुख की बात है रॉबर्ट जीवन का एकमात्र नुकसान नहीं था। मैं इस आदमी से कभी नहीं मिला और मुझे पता है कि उसका परिवार हमारे जैसा है पीड़ित है और कल उठने की उम्मीद कर रहा है। यह जानकर कि यह एक बिस्वत था और अपने प्यारे जेरेमी को गले लगा रहा था मेरा दिल आप में से प्रत्येक के लिए तोड़ रहा है। पुलिस ने अभी तक पीड़ितों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की है। क्लिंटन काउंटी आपातकालीन सेवा निदेशक एरिक डे ने स्थानीय NBC 5 को बताया, कुछ डेप्यूटीज ने तुरंत दो व्यक्तियों पर जीवन रक्षा उपायों का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने उन्हें दुर्घटना के दृश्य से दूराग से दूर खींच लिया और वास्तव में व्यक्तियों में से एक पर CPR शुरू किया। FAA राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के साथ दुर्घटना की जांच कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन निरीक्षण और रखरखाव परंपरागत रूप से उन श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो लंबी लाइन टावरों पर चढ़ते हैं या जहाज व्यक्तियों के दल के साथ हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। दोनों विधियां बहुत जोखिम भरा है। न्यूयॉर्क पावर अथॉरिटी ट्रांसमिशन सिस्टम रखरखाव को सुरक्षित अधिक कुशल और कम महंगी बनाने के लक्ष्य के साथ ड्रोन का उपयोग करने पर काम कर रही है। जनवरी में दो ठेकेदारों की मृत्यु हो गई जब वे अपने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए जबकि वे उत्तर पश्चिमी ओहियों में ट्रांसमिशन लाइन निरीक्षण कार्य कर रहे थे। मई 2015 में उच्च वोल्टेज लाइन निरीक्षण के दौरान कैलिडोनिया मिशिगन के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन दोनों चालक दर्शोत से बच निकले। 2014 में सेल्ट कोलोराडो में नियमित पावर लाइन निरीक्षण करते समय तीन लोगों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई।